फर्श के नक्शे और उनके गहरे चित्र डीप ड्रॉइंग क्या होते हैं और इन्हें कैसे बनाया जा सकता है, इस बारे में जानेंगे। एक दिन राजा ने घोषणा करवाई कि उन्हें अपने कमरे की डिजाइन बदलनी थी। जो भी उनके कमरे के लिए सबसे अच्छी डिजाइन बनाएगा उसे एक इनाम दिया जाएगा। अगले ही दिन बन्नी सबसे पहले राजा के पास उनके कमरे को नए से बनाने का एक फर्श का नक्शा लेकर पहुंच गया। फर्श का नक्शा कुछ ऐसा नजर आ रहा है। बच्चों, क्या आप फर्श के नक्शे के बारे में जानते हैं? एक कमरे या घर के फर्श के नक्शे से हम ये पता लगा सकते हैं कि उसमें खिड़कियां और दरवाजे कहाँ हैं। क्या आप फर्श के नक्शे को देखकर बता सकते हैं कि उसमें कितनी खिड़कियां हैं? जी हाँ, फर्श के नक्शे में 5 खिड़कियां हैं। जिस दीवार में दरवाजा है, क्या उस दीवार में कोई खिड़की भी है? बिल्कुल ठीक, जिस दीवार में दरवाजा है उस दीवार में कोई खिड़की नहीं है। इस कमरे में कितनी दीवारें हैं? जी हाँ, इस कमरे में 10 दीवारें हैं। इस कमरे में कितनी दीवारें हैं जिनमें कोई खिड़की नहीं है? ऐसी 5 दीवारें हैं जिनमें कोई खिड़कियां नहीं है। राजा को बन्नी का बनाया कमरे का फर्श का नक्शा तो पसंद आया, लेकिन कमरा कैसा दिखेगा और खिड़कियां कितनी ऊंची होंगी, इसका पता वे बन्नी के फर्श के नक्शे से नहीं लगा पा रहे थे, इसलिए उन्होंने बन्नी को इनाम नहीं दिया। बन्नी उदास होकर घर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में भोला गधा मिला। भोला ने बन्नी के उदास होने का कारण पूछा, तब बन्नी ने उसे पूरी कहानी सुनाई। भोला ने बन्नी से कहा कि वो उसकी मदद कर सकता है। बन्नी हैरान रह गया। भोला ने बन्नी से वो फर्श का नक्शा मांगा और उसे अगले दिन राजा के दरबार में उसके साथ आने को कहा। अगले दिन भोला और बन्नी राजा के दरबार में पहुंच गए। भोला ने राजा को उनके कमरे के डिजाइन का इस तरह का चित्र दिखाया। बन्नी और राजा उस चित्र को देखकर बिल्कुल चौंक गए। बच्चों, क्या आपने भोला ने बनाया इस चित्र के जैसा कोई चित्र देखा है? क्या आप बन्नी और भोला ने बनाए चित्र के बीच का अंतर बता सकते हैं? बिल्कुल ठीक, बन्नी ने बनाया फर्श का नक्शा एक द्विआयामी 2-dimensional चित्र है, जिसमें केवल लंबाई लेंथ और चौड़ाई ब्रेथ है, इसलिए हम कमरे या खिड़की की ऊंचाई के बारे में नहीं बता सकते हैं। लेकिन भोला का बनाया चित्र एक त्रिआयामी वस्तु के तीनों आयामों को दर्शाता है। इसमें हम कमरे की लंबाई लेंथ चौड़ाई ब्रेथ और गहराई डेप्थ भी देख सकते हैं, इसलिए हम कमरे या खिड़की की ऊंचाई के बारे में भोला के बनाए चित्र से बता सकते हैं। क्योंकि इस चित्र में हम गहराई डेप्थ का भी अंदाजा लगा सकते हैं, भोला के बनाए चित्र जैसे चित्रों को हम गहरे चित्र डीप ड्रॉइंग कहते हैं। यहाँ भोला और बन्नी ने बनाए कमरे के चित्र हैं। क्या आप बता सकते हैं कि भोला के चित्र में कमरे की कौन सी खिड़कियां नजर नहीं आ रही हैं? आप चाहे तो वीडियो को रोककर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल ठीक, भोला के चित्र में ये खिड़कियां नजर नहीं आ रही हैं। क्या भोला किसी और तरह से भी इस गहरे चित्र डीप ड्राइंग को बना सकता है? आप वीडियो को पॉज करके ऐसे चित्र को अपनी नोटबुक में बनाने की कोशिश कर सकते हैं। भोला इस तरह से भी कमरे के गहरे चित्र डीप ड्राइंग को बना सकता है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों गहरे चित्रों डीप ड्राइंग्स में क्या फर्क है? दरअसल ये चित्र कमरे को सामने फ्रंट व्यू से देखकर बनाया गया है, जबकि ये गहरा चित्र कमरे को दाईं ओर
राइट साइड से देखकर बनाया गया है। हम किसी भी त्रिआयामी थ्री डायमेंशनल वस्तु को अलग अलग दृष्टिकोणों व्यूज से देख सकते हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। राजा को भोला ने बनाया डिजाइन पसंद तो आया, लेकिन वे और भी लोगों की डिजाइन देखना चाहते हैं। अगले दिन चंदा और बड़बोले बतख चाचा भी राजा के पास अपने अपने फर्श के नक्शे और गहरे चित्र डीप ड्रॉइंग्स लेकर पहुंच गए। क्या आप फर्श के नक्शों को उनके गहरे चित्रों डीप ड्रॉइंग से मिला सकते हैं? आप वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकते हैं। शाबाश बच्चों, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। राजा ने बहुत सारी डिजाइन देखी, लेकिन उन सभी डिजाइनों में से उन्हें भोला की बनाई डिजाइन ही सबसे पसंद आई। आखिर राजा ने भोला को इनाम दे दिया। भोला ने तुरंत उसमें से आधा हिस्सा बन्नी को दे दिया, क्योंकि उसने वो गहरा चित्र डीप ड्रॉइंग बन्नी ने बनाए फर्श के नक्शे को देखकर ही बनाई थी। बच्चों, इस वीडियो में हमने फर्श के नक्शे और उनके गहरे चित्र डीप ड्रॉइंग क्या होते हैं के बारे में जाना।